ग्वालियर के पीएचसी घोटाला में नए नए रोज खुलासे होते जा रहे हैं। अब तक 50 दिन की जांच में 74 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये कुल 18 करोड़ का घोटाला है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आरोपी हैं। ग्वालियर के पीएचसी घोटाले में क्राइम ब्रांच ने 50 दिन की जांच के बाद 74 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। नगर निगम की पीएचसी शाखा में 5 साल के दरमियान में 71 खातों में करीब 18 करोड़ रुपये का फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। घोटाला पकड़ में आने के बाद से 27 जुलाई को पीएचसी विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन 7 अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। एक्चुअली पीएचई में जो अकाउंट में पैसे भर डाले गए हैं दूसरे के अकाउंट में, ओरिजिनल अकाउंट से हट के, उसे पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है अगस्त से। और इसमें कल हमको अपना जिला में एक कमेटी बनी थी अधिकारियों की, जो ट्रेजरी ऑफिसर उसमें शामिल थे, उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसी अवधि में जो चीज़ें हुई हैं उनको उन्होंने वेरीफाई करके भेजा है, जिसमें करीबन 70 अकाउंट के करीबन जो हैं ऐसे पाए गए हैं जो मूलतः जिस लाभान्वित बेनिफिशरी के नहीं थे, उनमें गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है। और उसमें साथ में उनकी लिस्ट भी दी गई है जो लोग उसमें जिनका इसमें रोल था पैसे को ट्रांसफर करने में, जिनकी आईडी का इस्तेमाल हुआ है, तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।